सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बच्चे सच बताता है क्या बाप को? सच चेक कर, 5 मिनट याद में बैठ, किस किस की याद आती है देख, और सच सुना लेटर में या रूहानियत में। बाबा 5 मिनट के लिए याद में बैठे, इतनों की याद आए, सुना के देख। तो बच्चे जो है जिसकी याद आती है जब बाप को याद करने बैठते हो, तो वो सच सच बाप को लिखो या सुनाओ बच्चे, सच सच। सारी समझ की बातें हैं बच्चों आपके लिए। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे बच्चे, पर अगर तू सच नहीं बताएगा तो क्षमा नहीं मिलेगी। समझ है बच्चे? तो भगवान को याद करने बैठता है ना, उसके साथ किसी और की याद कैसे स्वीकार हो सकती है? तू बता, तुझे भोजन परोसा है, तेरे लिए कोई अच्छी चीज बनाई है, तुझे खिलाई, फिर किसी और को वही खिलाए, वापस खाएगा? सेम बाइट ले रहा है, एक फल है, एप्पल है, तूने खाया, फिर तेरे हाथ से निकाला और किसी और को खिलाया और वापस तेरे तरफ लाया, खाएगा? तो भगवान तेरी याद कैसे स्वीकार करेगा अगर उसकी याद के वक्त तू किसी और की याद उसमें मिक्स कर देता है? तो कैसे स्वीकार करेगा? और चाहता है स्वर्ग में जाए, प्राप्ति मिले? इतनी सी बात नहीं कर सकता तू, देह और देह के संबंधों को नहीं भूल सकता, स्वर्ग की क्या आशा रखता है? समझ की बात है बच्चे? स्वर्ग की आशा ना रख, मेरे महान स्वर्ग का और मेरा भी अपमान ना कर, अशुद्ध रहकर उसकी आशा रखकर। समझ की बात है सारी? बच्चे ध्यान में रखना, अशुद्धता में कभी स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं, हर हालत में स्वीकार नहीं करता अशुद्धता, मर्जी तेरी, बोझा तो चढ़ेगा बच्चे तेरे ऊपर, क्योंकि मेरी याद में बैठा है और कर किसी और को याद रहा है, किसी और को याद कर रहा है, यही हालत है तेरी। बाप कैसे स्वीकार करेगा याद? सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, यह बीमारी छिपाओ नहीं सर्जन से, तू छिपा देता है। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे बच्चे, सुनाओ तो सही, लिखो तो सही, फिर देखो क्या होता है। सब समझ की बात है।